इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो यूनिफॉर्म वेव्स भी कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर में आपको बता दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये वाली है अलोंग द वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड के अलोंग है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये वेव फॉर्म या ये फिगर मैं आपको यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ई और एच जो है इसके साथ दो क्वालिटीज एसोसिएटेड रहेंगी ताकि ये यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्यों कहला रही है वो हम समझ सकते हैं उसकी मदद से, उन क्वालिटीज की मदद से। यहाँ पर अगर मैं इस स्पेस में अगर फिक्स कर दूं इसे तो ये टाइम के साथ लगातार वैरी होता रहेगा, मतलब ये स्पेस में फिक्स है और टाइम के साथ लगातार वैरी होगा, तो ये एक क्वालिटी हो गई। दूसरा ये कि अगर मैं इसको स्पेस में मूव करती हूँ वी नॉट, मतलब फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो वी नॉट स्पीड से, या किसी और मीडियम में है तो वी स्पीड से, या अगर इस पर्टिकुलर फ्रेम को मैं मूव करती हूँ तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगा। ये दो क्वालिटीज है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर स्पेस में मैं इस फ्रेम को फिक्स करती हूँ तो टाइम के साथ ये चेंज होता रहेगा, और अगर इस फ्रेम को मैं स्पीड में मूव करती हूँ वी स्पीड से प्रोपागेशन की डायरेक्शन में, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब या तो स्पेस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म है या फिर ये टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स बोलते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया जिसमें दो क्वालिटीज होती यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स कहलाने की। तो अब इस तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स क्या है तो आप समझा सकते हैं।